हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लाइव्स ऑफ द टू म्यूज़िकल लीजेंड्स। इस चैप्टर में हम दो म्यूज़िकल लीजेंड्स की लाइफ और उनकी स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे। वन पार्ट इज़ अबाउट द स्कॉटिश म्यूजिशियन एवलिन ग्लैनी एंड द अदर इज़ अबाउट इंडियन लीजेंड बिस्मिल्ला खान। इस चैप्टर के जो फर्स्ट पार्ट में हम एवलिन ग्लैनी के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द चैप्टर। पार्ट वन थ्रोज लाइट ऑन एवलिन्स लाइफ एंड स्ट्रगल्स टू बिकम अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन। पार्ट वन है जो एवलिन ग्लैनी की लाइफ और स्ट्रगल्स को बताता है, किस तरह से वो सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनी। शी इज़ ए मल्टी पर्कशनिस्ट, वो एक मल्टी पर्कशनिस्ट है। पर्कशनिस्ट मीन्स अ म्यूजिशियन हु प्ले पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक तबला, ड्रम, ऑर्केस्ट्रा एट्सेट्रा। सो शी हैज़ अ टैलेंट टू प्ले हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स परफेक्टली। एवलिन इज़ प्रोफाउंडली डेफ, एवलिन जो है प्रोफाउंडली डेफ है, इट मीन्स उन्हें सुनाई नहीं देता है। और ये बचपन से ऐसा नहीं था कि उन्हें सुनाई नहीं देता है, जब वो 11 वर्ष की थी तब तक उन्हें अच्छे से सुनाई देता था, वो अच्छे से बोल भी लेती हैं, पर 11 साल की उम्र के बाद उन्हें सुनना कम हो गया और धीरे धीरे बिल्कुल ही बंद हो गया। शी लर्न टू लिसन टू म्यूज़िक थ्रू हर बॉडी एंड नॉट ईयर्स। उन्होंने म्यूज़िक को सेंस करा, सुना नहीं बल्कि अपनी बॉडी पार्ट से सेंस करके सीखा, और हजारों इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने प्ले करने सीखे और एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनी। सो बट इट डिडेंट स्टॉप हर फ्रॉम परज्यूइंग हर कैरियर इन म्यूज़िक। अगर उन्हें सुनाई नहीं भी देता था तो ये कोई हर्डल नहीं था उनके लिए, उन्होंने अपने कैरियर को जारी रखा अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी स्ट्रगल से। एंड शी इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड नेम्स इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री। अपने डिटर्मिनेशन की वजह से, हार्डवर्क से आज वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है। पार्ट फर्स्ट का नेम है एवलिन ग्लैनी लिसन टू म्यूज़िक विदाउट हेयरिंग इट। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म से, जहाँ पर एक 17 साल से भी कम दिखने वाली लड़की वेट कर रही होती है ट्रेन के लिए। शी इज़ वेटिंग फॉर द ट्रेन। और ये जो ट्रेन है वो जाने वाली है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। तो ये जो लड़की इंतज़ार कर रही है ट्रेन का, वो है एवलिन ग्लैनी। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जिसमें बताया जाता है कि लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, मीन्स वो बचपन से ही डेफ नहीं थी, जन्म से डेफ नहीं थी। मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस एट द एज ऑफ 8। जब वो 8 वर्ष की हुई तब उन्हें एहसास हुआ, ये फील हुआ कि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, जब उनकी मदर इसाबेल ग्लैनी ने उन्हें बुलाया। उनकी पियानो बजाने की टर्न आ चुकी थी, इसाबेल ग्लैनी ने उन्हें आवाज़ लगाई पर उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, एवलिन ग्लैनी को सुनाई नहीं दे रहा था। इस बात का उन्हें एहसास हो गया था पर उन्होंने डर की वजह से इसे छुपाना चाहा सबसे। बट एट द एज ऑफ 11 हर डेफनेस रिवील्ड। जब वो 11 वर्ष की थी तब सबको पता चला कि उन्हें सुनाई नहीं देता है। जब उसके हेडमिस्ट्रेस थी जो स्कूल की, उन्होंने उसकी मदर को बुलाया स्कूल में और कहा कि एवलिन कुछ भी नहीं कर पा रही है, उसके मार्क्स भी बहुत कम आ रहे हैं, उसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और किसी स्पेशल स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। बट इट डिडेंट गिव अप, शी डिडेंट गिव अप। उसने हार नहीं मानी, उसको दूसरे स्कूल में लेकर जाया गया, स्पेशल चिल्ड्रंस के स्कूल में भेजा गया। और उसने ये सब जान लिया था कि उसे सुनाई नहीं देता है, परंतु उसने हार नहीं मानी थी। नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ज़ाइलोफोन, स्कूल में उसने एक लड़की को नोटिस किया ज़ाइलोफोन बजाते हुए, और उसका भी मन हुआ बजाने का। बट उसके जो टीचर्स थे उन्होंने उसे एनकरेज नहीं किया बल्कि डिस्करेज ही करते रहे, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। रोन फोर्ब्स पर्कशनिस्ट स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उसी स्कूल में एक पर्कशनिस्ट थे रोन फोर्ब्स, उन्होंने उसकी पोटेंशियल को समझा और उसे एनकरेज करा एवलिन को। उन्होंने एवलिन को एनकरेज करा म्यूज़िक सिखाने के लिए। प्ले टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स एंड आस्क्ड हर टू सेंस इट। उस समय उन्होंने रोन फोर्ब्स ने दो बड़े बड़े ड्रम्स मंगवाए और उन्हें अलग अलग नोट्स में बजाना शुरू करा, और उन्होंने एवलिन से कहा कि इसे सुनो मत, इसे अपनी बॉडी पार्ट से सेंस करो। और एवलिन ने ऐसा ही करा, ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू द साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, ये था एवलिन का कहना।
एवलिन ने कहा कि उन जो ड्रम की साउंड्स थी उसको उसने अपने माइंड से, अपने बॉडी पार्ट से उन वाइब्रेशंस को फील करा। शी नेवर टर्न बैक। अब उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ म्यूज़िक को सीखा रॉन फोर्ब्स की मदद से, और उसने हजारों इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने की ट्रेनिंग ली। टूर टू यूके एट द एज ऑफ 16 विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल बैंड। और जब वो 16 वर्ष की हुई तब तक उन्होंने इतने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने सीख लिए थे इंस्टीट्यूट ऑफ हर डेफनेस कि उन्होंने यूके का टूर करा एक यूथ ऑर्केस्ट्रा, एज ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक म्यूजिकल बैंड के में यूथ ऑर्केस्ट्रा के तौर पर उन्होंने पूरा यूके का टूर करा। सोलो परफॉर्मेंसेस भी दिए, कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और म्यूजिक इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े बड़े अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए। गोट मास्टरी ओवर 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और उन्होंने हजारों इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना सीखा अपने बॉडी पार्ट्स और अपने सेंस से, ना कि उन्हें सुनकर। सो दिस वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर एवलिन ग्लैनी। अब स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां हमने शुरुआत में देखा था, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म से रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जहां वो जा रही होती है वहां पहुंचती है। वहां उसका इंटरव्यू है, पहला दिन है, और लगभग 2 घंटे तक, 2 आवर्स तक ये इंटरव्यू चलता है। और वहां इंटरव्यू में उसे पूछा जाता है कि आप इतना क्लियरली कैसे बोल सकती हैं जबकि आपको सुनाई भी नहीं देता है। तो एवलिन का जवाब था, माय स्पीच इज़ क्लियर Because I could hear till I was 11. My speech is clear means मेरी language है, जो बोलने का तरीका है वो बिल्कुल clear है। I can speak English, French, German languages because I could hear till I was 11. जब तक मैं 11 साल की थी तब तक मुझे अच्छे से सब कुछ सुनाई देता था। As far as music is concerned, music pours through every part of my body and tingles in the skin. उसने कहा कि जो म्यूज़िक है उसे मैं सुनती नहीं हूँ बल्कि अपनी बॉडी पार्ट से फील करती हूँ। इट टिंगल्स इन द स्किन, और जो म्यूज़िक की वाइब्रेशंस है वो मेरी स्किन में टिंगल होती हैं, उसमें वाइब्रेशंस पैदा करती हैं। माय चीक बोन्स एंड इवन इन माय हेयर, और मेरे जो चीक बोन्स हैं, मेरे हेयर हैं, बाल हैं, उन सब में मुझे म्यूज़िक की वाइब्रेशंस फील होती हैं। प्ले ज़ाइलोफोन, और जो वो ज़ाइलोफोन बजाने के लिए स्टेज पर जाती थी तो शी सेंस इट टू स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स, वो अपनी फिंगर टिप्स से जब स्टिक से ज़ाइलोफोन बजाती थी तो अपनी फिंगर टिप्स से उनकी वाइब्रेशंस को फील करती थी। वुडन प्लेटफॉर्म रिमूव्स हर शूज़, और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए जाती थी तो वो अपने शूज़ को रिमूव कर दिया करती थी सो दैट वाइब्रेशंस पास थ्रू, उन वाइब्रेशंस को अपनी बॉडी में पास थ्रू करने के लिए, फील करने के लिए। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में एवलिन ग्लैनी को रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। एंड एन रिचलिन डिस्क्राइब्ड एवलिन ग्लैनी एज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। इट वॉज एवलिन हु मेड percussion एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्केस्ट्रा। पर्कशन को ऑर्केस्ट्रा का इम्पोर्टेंट पार्ट बनाने के का श्रेय भी एवलिन ग्लैनी को ही दिया जाता है। एवलिन सक्सेसफुल जर्नी एज अ म्यूजिशियन शोज दैट एनीवन कैन अचीव हिज और हर गोल इफ ही वर्क्स हार्ड विद फर्म डिटर्मिनेशन। और एवलिन की जो सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनने की जर्नी है हमें ये बताती है कि अगर हमारा एक गोल होगा, एक एम होगा और फर्म डिटर्मिनेशन होगा तो हम किसी भी मुसीबत को पीछे छोड़ते हुए अपना कैरियर आगे बढ़ा सकते हैं। नो डिसेबिलिटी कैन बिकम अ हर्डल, और इसके अंदर अगर हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग है तो कोई डिसेबिलिटी भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। सो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा और आप इसके क्वेश्चन आंसर भी अब अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सी यू विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय।